गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है अरविंद भारद्वाज और हमारा मॉडल भिवानी से है, MNS गवर्नमेंट कॉलेज से, और हम यहाँ पे स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे मॉडल का नाम है ह्यूमन आई एंड इट्स एस्पेक्ट्स। तो ह्यूमन आई और उसके एस्पेक्ट क्या क्या है, क्या एस्पेक्ट में आपने क्या क्या चीज़ें कवर कर रखी हैं? तो हमने सबसे पहले आई का स्ट्रक्चर हमने कवर कर रखा है, उसके बाद आई का स्ट्रक्चर हमने कवर कर रखा है जिसमें हमने सारे पार्ट्स आई के शो कर रखे हैं। उसके बाद वर्किंग मॉडल है हमारा आई का ये, जिसमें हम नॉर्मल आई में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और उसमें मतलब क्या क्या होता है, वर्किंग पार्ट हमारा ये है। उसके बाद हमने एक 3D मॉडल बना रखा है आई का, जिसमें मतलब एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल शो कर रखी है, और जो पार्ट होते हैं आयरिस होता है और ये सारी ऑप्टिक नर्व होती है, ये हमने सारा शो कर रखा है इसमें 3D मॉडल में। उसके बाद मास अवेयरनेस के लिए हमारे पास मैसेज है आई डोनेशन का, जो कि बहुत ही नोबल कोज के लिए अगर कोई भी आई डोनेट करता है तो वो एक बंदा अगर आई डोनेट करता है वो 2 ब्लाइंड पीपल को वो मतलब आंखें दे सकता है, तो वो बहुत ही नोबल कोज के लिए हम सबको अवेयर कर रहे हैं आई डोनेशन के लिए। उसके बाद हमने विजुअल पाथवे बता रखा है, और हमने आई की डिजीज़ बता रखी हैं, और हमने विजुअल डिफेक्ट बता रखे हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, और नॉर्मल आई में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, ये सब हमने इसमें कवर कर रखा है। तो हम वर्किंग पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले कि हमारी आई में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसमें आप देखिए कि जैसे हमने लेज़र लगा रखी है, तो लेज़र से मतलब लाइट सोर्स हमारा जो आई बॉल है इसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही लाइट ये आती है तो यहाँ पे हमारे जो ये स्क्रीन है एज ए रेटिना प्ले कर रही है, तो यहाँ पे दोनों डॉट्स यहाँ पे आगे आके मिलते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है। और फिर विजन डिफेक्ट से हम बात करते हैं, जिसमें कि मायोपिया होता है या फिर हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो मायोपिया क्या होता है कि नियर साइटेडनेस होती है, इसमें क्या होता है कि दूर का उनको साफ दिखाई नहीं देता लेकिन पास का उनको साफ दिखाई देता है। तो मायोपिया को हम कैसे करेक्ट करते हैं वो हमने इसमें प्रोसेस बता रखा है। तो मायोपिया को हम करेक्ट करते हैं कॉनकेव लेंस की हेल्प से। तो कॉनकेव लेंस अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है कि जो आईबॉल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है मायोपिया में, तो उसका रेटिना थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाता है। अब बिना चश्मे के अगर वो बंदा देखता है तो उसको साफ दिखाई नहीं देता दूर का, तो उसके लिए हम डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, जो कि हमारा कॉनकेव लेंस होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं मायोपिया में क्या होता है कि जब हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं तो जब जो लाइट पहले आगे मैच हो रही थी वो कहीं पीछे जाके वो दोनों डॉट्स मैच होंगे, यानी कि पीछे जाके इमेज फॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स कि हमने अगर चश्मे में कॉनकेव लेंस लगाया तो हम इजीली मायोपिया को हम इजीली ठीक कर सकते हैं उससे। और इसका अपोजिट केस होता है हाइपरमेट्रोपिया का, जो कि होता है फार साइटेडनेस, जिसमें किसी भी अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया तो उसको दूर का साफ दिखाई देता है लेकिन पास का साफ नहीं दिखाई देता। और मायोपिया जो होता है मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है आई का, और हाइपरमेट्रोपिया जो ओल्ड एज पीपल में मिलता है। तो हाइपरमेट्रोपिया का हम बताते हैं कि थ्रू आउट द एज जो होता है आई बॉल थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि आई बॉल अगर श्रिंक कर गया तो उसका रेटिना भी आगे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन बिना चश्मे के अगर वो बंदा देखता है तो उसकी जो आई मतलब रेज होती है जो मैच नहीं कर पाती रेटिना पे, वो पीछे उसकी टेंडेंसी होती है इमेज फॉर्मेशन की, तो उसे हमें रेटिना पे शिफ्ट करना होता है। तो उसके लिए हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। तो जो डॉट्स पहले बिल्कुल पीछे जाके मैच हो रहे थे वो पीछे मैच नहीं हो रहे हैं, और आगे आगे जाते जाता ये बिल्कुल आगे आई बॉल के अंदर ये दोनों डॉट्स मैच होंगे। दैट मीन्स हमने हाइपरमेट्रोपिया को इससे कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से ठीक कर दिया। उसके बाद हमारे पास मास अवेयरनेस के लिए आई डोनेशन का मैसेज है, क्योंकि इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ लोग जो है मतलब ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं, जिसमें से 70 लाख पीपल ऐसे हैं जो कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं। तो अगर एक बंदा अगर आई डोनेट करता है तो 70 लाख में से एक बंदा हर 2 आदमी को आंखें दे सकता है, तो कि जो कि मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत नोबल कोज है। उसके लिए हम सबको अवेयरनेस हमको सब अवेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।